राज्य मंत्री कृष्णा राज ने राष्ट्रीय कृषि मेले को छत्तीसगढ़ के लिए बताया बड़ी उपलब्धि। रायपुर में तीसरी बार हो रहा है ये मेला। विकास कार्यों से बदल रही है बस्तर की तस्वीर। जगदलपुर के गणतंत्र दिवस समारोह में बोले मुख्यमंत्री। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी 80,000 रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। और सुकमा जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो माओवादियों को मार गिराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कृष्णा राज ने राष्ट्रीय कृषि मेले के आयोजन को छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले में आई केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि ये आयोजन प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अच्छा, ये मेला जो दिखा, जितना मैं सुन पाई हूँ, आज तीसरे वर्ष का ये मेला है। इसके लिए यहाँ की सरकार और विशेष तौर पे यहाँ के जो माननीय मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री, जल संसाधन, इनको मैं बधाई देती हूँ। क्योंकि जितनी भी स्कीम है भारत सरकार या छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की, उसको जन जन तक पहुँचाना, किसानों को अवगत कराना, ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा माध्यम है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने मेला परिसर में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया और उन्हें मेले से संबंधित जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि बस्तर में चल रहे विकास कार्यों से इस क्षेत्र की तस्वीर तेजी से बदल रही है। जगदलपुर में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई और उद्योग संबंधी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन योजनाओं के पूरा होने से बस्तर को माओवाद की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इस क्षेत्र के आदिवासी इन विकास योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। बस्तर में धान की खेती की परिवर्ती नहीं हुई है, जिसको देखते हुए मक्के की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति अपनाई है। मक्के की खरीदी और उसके उपयोग की व्यवस्था की गई है और 105 करोड़ की लागत से मक्का प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। एनएमडीसी का नगर नॉइज स्टील प्लांट इस वर्ष प्रारंभ होने की संभावना है। इस प्रकार देश अन्य हिस्से के साथ बस्तर भी उद्योग, रोजगार, युवा स्तर उन्नयन की नई यात्रा की शुरुआत करेगा। प्रदेश में सिंचाई क्षमता के तीव्र विकास में हमारे विशेष पहल अभियान लक्ष्य भागीदारी को राष्ट्रव्यापी सराहना मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अन्य राज्यों को रोल मॉडल के लिए रोल मॉडल किया है। प्रदेश की नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत महानदी तंदुला, गहरी महानदी, रेहर अटेम, अभिजन, खारंग, हरदेव, गेवैयादी लिंक परियोजनाओं को चिन्हांकित किया गया। अच्छी सेहत से किसी व्यक्ति को अपने सशक्त होने का एहसास और आत्मबल मिलता है, इसलिए हमने स्वास्थ्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। प्रदेश में उपचार और चिकित्सा शिक्षा की संस्थाओं में विस्तार किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क उपचार में दी जाने वाली राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री बालहृदय योजना। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित झांकियां भी निकाली गईं। प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब 50,000 के बदले 80,000 रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजधानी रायपुर में बापू की कुटिया के लोकार्पण के अवसर पर दी। उन्होंने बताया कि बापू की कुटिया के रूप में बुजुर्गों के लिए एक आश्रय बनाया गया है, जहां वे अपने खाली समय का उपयोग कर सकते हैं। इस केंद्र पर बुजुर्गों के रहने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी की जाएगी।
बापू की कुटिया, और ये हमारे समाज के वो बुजुर्ग जिन्हें अपने समय के बिताने के लिए वो हमेशा गार्डन आते हैं, और यहाँ उनके लिए बैठने के लिए कैरम से लेकर पेपर और दूसरी चीज़ पढ़ने के लिए एक बाबू की कुटिया का निर्माण हुआ है। और ये पूरे रायपुर के अलग अलग स्थानों में अलग अलग एनजीओस के माध्यम से इसका संचालन होगा। बहुत अच्छा प्रयोग है, और इसमें जो इस निर्माण की शुरुआत हुई है, अभी 100 बापू की कुटिया का निर्माण करना है अलग अलग इस रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ अच्छे गार्डन है, जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, और ये बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। वैसे ही 100 जिम बनाने का काम हुआ, और अतिरिक्त 100 जिम के लिए मांग है, तो अतिरिक्त 100 जिम और निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक जिम में, ओपन जिम में 3 लाख रुपये खर्च होता है। एक और बड़ी योजना जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जो ये हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में अभी हम लोगों ने 50,000 तक की सुरक्षा की जवाबदारी दी है बुज़ुर्गों के लिए, जो 60 के ऊपर के एज होते हैं उनको इसमें अतिरिक्त कवरेज देने के लिए 30,000 की अतिरिक्त राशि उनको इलाज के लिए खर्च होगा। एक बहुत बड़ी सुविधा ओल्ड एज के, जिनके लगातार उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं, एडिशनल 30,000 करीब करीब 12 से 14 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। मगर इसको भी मंजूरी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से इसको करने का काम है, और जितना भी फंड है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी उद्यानों में ओपन जिम की व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा, इसे 100 नए उद्यानों में भी जल्द स्थापित किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने आम लोगों से अपने सुझाव भी मांगे हैं। गौरतलब है कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री का जनता से संवाद का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में इस वर्ष छत्तीसगढ़ की प्राचीन नाट्यशाला पर केंद्रित झांकी निकाली गई। सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन नाट्यशाला को देश भर में विशेष पहचान मिली हुई है। राजपथ पर प्रस्तुत की गई इस झांकी ने देश विदेश के अतिथियों सहित लाखों दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। बेमेतरा में गणतंत्र दिवस पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री दयाल दास बघेल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर श्री बघेल ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई झांकियां भी प्रदर्शित की गयी। धमतरी में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए श्री चंद्राकर ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। कार्यक्रम में जिले के 35 पुलिस शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कोरबा जिला मुख्यालय में विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान ने मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए प्रदेशवासियों से छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद डॉक्टर बंशीलाल महतो और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की गयी। कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला। श्री राजवाड़े ने शहीद पुलिस जवानों के परिजनों और विशिष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सिरपुर में संसदीय सचिव चंपा देवी पारले ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए राज्य सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित विभिन्न योजनाओं की चर्चा की। समारोह में जिला पुलिस, नगर सेना और एनसीसी के कैडेटों ने परेड में भाग लिया। जांजगीर में इन दिनों यातायात नियंत्रण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक नीतू कमल ने बताया कि लोगों को यातायात के प्रति जागरूक बनाने के लिए सोशल मीडिया की मदद भी ली जा रही है। इसके तहत लोग ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी यातायात उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रदेश में अब जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित हाथियों का उपयोग किया जाएगा।
गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हाथी के उत्पात से स्थानीय लोग भयभीत रहते हैं। इन घटनाओं को देखते हुए कर्नाटक से प्रशिक्षित हाथियों को यहां लाया गया है। इनकी मदद से जंगली हाथियों को नियंत्रित करने का अभियान चलाया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेस के एक स्थानीय पदाधिकारी के घर पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाने की खबर मिली है। इस घटना की सूचना दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को दी गई है। घटना के शिकार कांग्रेस पदाधिकारी ने स्वयं इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आइए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। सुकमा जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो माओवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने घटनास्थल से माओवादियों के हथियार भी बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुकमा जिले में चिंतलनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोरपल्ली के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार माओवादी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने मोरपल्ली इलाके में तलाशी अभियान को तेज कर दिया। इसी अभियान के दौरान बीती रात पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो माओवादी मारे गए। पुलिस ने दोनों माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं, हालांकि इनकी पहचान होना अभी बाकी है। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में पुलिस की चौकसी और बढ़ा दी गई है। नारायणपुर जिले के इरपानार इलाके में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद उप निरीक्षक मूलचंद कंवर का उनके गृहग्राम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि शहीद मूलचंद कंवर कोरबा जिले के घनाढबरी गांव के रहने वाले थे। बीते 24 जनवरी को माओवादियों के खिलाफ चलाए गए तलाशी अभियान में वे भी शामिल थे। इस अभियान के दौरान माओवादियों के हमले में वे शहीद हो गए थे। घटना के बाद श्री कंवर का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से उनके गृहग्राम लाया गया, जहां पुलिस जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। घटना से व्यथित शहीद उप निरीक्षक के मित्र सतीश रात्रे ने कहा कि उप निरीक्षक मूलचंद कंवर की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम ऊपर वाले से कामना कर रहे हैं और मैं अपना ये व्यू रखता हूँ सरकार से कि हमारे इस शहीद भाई के परिवार वालों के लिए कुछ उचित करे, जिससे उसके परिवार वाले खुशहाल हो सके। कोरबा के पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि शहीद उप निरीक्षक के परिजनों को सरकार के नियमों के अनुसार हर संभव सुविधाएं दी जाएंगी। इस मौके पर शहीद उप निरीक्षक को श्रद्धांजलि देने के लिए सांसद डॉ. बंशीलाल महतो और संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।